फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन टाइटिंग। आज मैं आपको एक मैट बनाना सिखाऊंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बनाते हैं फर्स्ट रिंग, जो 3DS 1 लूप से कंप्लीट होगी। वन डबल स्टिच, टू डबल स्टिच, थ्री डबल स्टिच, वन लूप, वन डबल स्टिच, टू डबल स्टिच, थ्री डबल स्टिच, वन लूप, वन डबल स्टिच, टू डबल स्टिच, थ्री डबल स्टिच, वन लूप, वन डबल स्टिच। धागा छोटा होने पर इसे खींच कर बड़ा कर लीजिए। एक लूप और बनाना है, फाइव लूप है, 1 2 3 4 5। लास्ट में 3 डबल स्टिच और रिंग कंप्लीट। अब मैं सेमी सर्कल बनाना स्टार्ट करती हूँ। फाइव डबल स्टिच, वन वन लूप, वन डबल स्टिच, टू डबल स्टिच, थ्री, डबल स्टिच अगेन बनानी है, सॉरी 5 डबल स्टिच, 1 2 3 4 and 5। सेमी सर्किल कंप्लीट। इसी तरह हमें 7 रिंग और 7 सेमी सर्किल बनाकर ये मोटिफ कंप्लीट कर लेना है। थ्री डबल स्टिच, वन लूप, 3 डबल स्टिच, इसे फर्स्ट रिंग के सेकंड लूप से जोड़ना है, ज्वाइन करना है। Thank you.
स्टिच वन लूप वन टू डबल स्टिच थ्री डबल स्टिच वन लूप थ्री डबल स्टिच वन लूप थ्री डबल स्टिच सेकेंड रिंग कंप्लीट सेम प्रोसेस अगेन थर्ड रिंग कंप्लीट इसी मेथड से हमें सेवन रिंग और सेवन सेमी सर्किल बना लेना है थ्री डीएस वन लूप वन डबल स्टिच स्टिच थ्री डबल स्टिच थर्ड रिंग के सेकंड लूप से अटैच करना है लूप को ऊपर रखना है और थ्रेड नीचे रहेगा वन डबल स्टिच टू डबल स्टिच डबल स्टिच अब टॉप का लूप बनेगा टॉप का जो लूप है वन लूप वन डबल स्टिच टू डबल स्टिच थ्री डबल स्टिच वन लूप स्टिच वन लूप धागे को खींचकर बड़ा कर ले वन डबल स्टिच टू डबल स्टिच थ्री डबल स्टिच सेम मेथड सभी रिंगों में होंगे फोर रिंग कंप्लीट फिफ्थ रिंग सिक्स्थ रिंग कंप्लीट अब हमें सेमी सर्किल और एक और रिंग बनाकर इस डिजाइन को कंप्लीट कर लेना है बनाते हैं सेमी सर्किल फाइव डबल स्टिच से वन टू थ्री फोर फाइव वन लूप वन वन लूप वन टू डबल स्टिच थ्री डबल स्टिच फोर डबल स्टिच फाइव डबल स्टिच सेमी सर्किल कंप्लीट अब हमें लास्ट वाली रिंग बनानी है चलिए स्टार्ट करते हैं
वन डबल स्टिच, टू डबल स्टिच, थ्री डबल स्टिच। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। शटल को पास करते हुए धागे को इस थ्रेड को खींच लेना है। डबल स्टिच, टू डबल स्टिच, थ्री डबल स्टिच। अब हमें टॉप का लूप बनाना है। वन वन लूप, थ्री डबल स्टिच। वन टू फर्स्ट रिंग के सेकेंड लूप से ज्वाइन करना है। सेवन रिंग कंप्लीट। सेवन सेमी सर्किल बनाना है। स्टार्ट करते हैं सेवन सेमी सर्किल। सर्किल कंप्लीट। अब हमें इसे अटैच करना है, जोड़ना है। क्रोशिया की मदद से फर्स्ट राउंड कंप्लीट। अब हमें सेकेंड राउंड बनाना है। धागे को अटैच कर लेते हैं नॉट लगाकर। जो इस लूप में ज्वाइन करनी है।
इस होल से थ्रेड को पास करना है। धागे को सीजर से कट कर लेना है। थ्री डबल स्टिच वन लूप इस प्रोसेस से बना लेना है। सेम प्रोसेस डबल स्टिच वन लूप थ्री डबल स्टिच। अब हमें सेमी सर्कल के लूप से इसे अटैच करना है। फिर से थ्री डबल स्टिच बनाना है। वन टू थ्री वन लूप थ्री डबल स्टिच। वन लूप थ्रेड को खींचते वेयरिंग को कंप्लीट करना है। वेयरिंग कंप्लीट। अब हमें सेमी सर्कल बनाना है जो इस तरह बनेगा। 5ds वन लूप 5ds वन लूप 5ds। ये सेकेंड राउंड कंप्लीट। इसके बाद हमें सेम इसी डिजाइन को रिपीट करना है। धागे को लिटिल फिंगर में रैप करते हुए हमें शटल से 5 डबल स्टिच बनानी है। सेम प्रोसेस सेकेंड रिंग कंप्लीट। इसी तरह हमें सारे डिजाइन को सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इसी डिजाइन को रिपीट करते हुए जो कुछ बनकर इस तरह तैयार होगी। ये सेकेंड राउंड है। थर्ड राउंड भी सेम इसी तरह बनेगा। एक सेमी सर्किल के जस्ट ऊपर दो रिंग बनी है, उसके ऊपर सिर्फ एक, और फिर डबल है, फिर सिंगल। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगली राउंड बनेगी।